कृष्णा बाय। कृष्णा ये लो पहन लो। वाओ गुड बॉय कृष्णा गुड बॉय। चलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे जो आप क्लिप देख रहे हो वो ब्लॉग के लिए मैं शूट नहीं कर रही थी। मेरा भाई मुझे छोड़ने आया था बंगाल, तो वही छोड़कर जा रहा था, तो वही मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी कि बाबू कैसा रिएक्ट करेगा। लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले ही इसके पापा डिसाइड कर लिए कि इसको लेकर कहीं जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग से ही कि बाबू ना, मतलब कोई भी जब जाता है घर से तो बाबू बहुत ज़्यादा रोने लगता है, या फिर किसी को ये छोड़ता है कहीं से, जैसे ये आया या फिर ये कहीं गया या फिर इसको कोई छोड़ के गया तो ये बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो अभी मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी, बस थोड़ा थोड़ा क्लिप ले रही थी। आई हूँ उसके लगभग एक हफ्ता तो लगभग हो गया है, मतलब 4-5-6 दिन हो गया होगा तब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। उससे पहले थोड़ा सा थकी हुई थी और थोड़ा सा फ़ोन भरा हुआ था ऑलरेडी, वो सब खाली किया उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू की हूँ। तो यहाँ पर बाबू नहा धो लिया था, मस्ती कर रहा था। यहाँ मेरी मेड आई हुई है, काम कर रही है, जो काम करने वाली आंटी है वो, और मेरे आने से पहले से ये भी लगी हुई है क्योंकि मेरे हस्बैंड तो थे ही, मैं नहीं थी लेकिन हस्बैंड तो थे ही, उनको तो थोड़ा घर साफ़ सुथरा चाहिए ही। बाकी खाना तो नहीं खा रहे थे वो, पूरे 1 महीने खाना नहीं खाए हैं, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को आप पहले ब्लॉग में देखे होंगे और अभी के ब्लॉग में देखिएगा, उसमें बहुत अंतर लग रहा होगा, बहुत दुबले पतले हो गए हैं, खाना ठीक ढंग से नहीं हो पाया। मतलब खाना तो भूखे तो नहीं रहे हैं, बाहर का खाना खाए हैं, लेकिन घर के खाने में बाहर में यही अंतर होता है जो बॉडी देखने से ही पता चल जाएगा। तो ये कुछ बाहर का नज़ारा है जो कि मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी, जैसे कि काम कर रही तो उसका थोड़ा सा, बाबू नहाया तो थोड़ा सा उसका, थोड़ा सा बाहर का, ऐसे कर करके मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ मैं हस्बैंड को छोड़ने आई थी बालकनी से, मतलब बाबू को बाय करवाने के लिए आती हूँ, जैसे वहाँ जाती थी वैसे यहाँ भी। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और वहाँ सेकेंड फ्लोर था, यहाँ 5th फ्लोर है, काफ़ी अंतर है दोनों में, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा है, देखने में नहीं बनता है डायरेक्ट ऊपर, एकदम नीचे से डायरेक्ट ऊपर देखने में नहीं बनता है। तो फिर फाइनली मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है आज से, यानी 9 तारीख से, यानी कि जो अभी दुर्गा पूजा स्टार्ट हुआ है कल स्थापन दिन से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आ गई हूँ बंगाल नए वाले रूम में, मतलब एकदम से सारा कुछ चेंज हो गया है। जहाँ से मैं गई थी बिहार वो पुराना वाला रूम था, और अभी जब यहाँ पे आई हूँ तो शिफ्ट हो चुका है दूसरे जगह पे। देख सकते हो आप लोग, जगह पूरा चेंज है। वहाँ पे जब ऐसे दिखाती थी तो बस बिल्डिंग दिखता था, यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगी तो बिल्डिंग कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ना, जैसे हम लोग अभी पानागढ़ में आ चुके हैं तो यहाँ पे बस एक ही बिल्डिंग ही है, बहुत बड़ा सा, मतलब बड़ा सा कहने का मतलब वहाँ पे एक बिल्डिंग में 4 फ्लैट था और यहाँ पे शायद 10-12 फ्लैट होगा ऐसे करके, लेकिन ऐसा करके 7 फ्लोर तक है और हम लोग हैं यहाँ 5th फ्लोर पे। तो आया हुआ तो वैसे 2-3 दिन हो चुका है, 2-3 दिन से ज़्यादा ही हो चुका है, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि जो पहले का ब्लॉग था वो भी मैं एडिट करके नहीं डाल पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी घर जो है वो सेट नहीं हुआ है अभी, आप देख सकते हो हर तरफ कुछ ना कुछ ऐसे ही है, जैसे कि वो टीवी के पास जो भी है वो वहाँ नहीं रहेगा। और फिलहाल मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, एक ये रूम है और एक ये रूम है। हाँ बेटा, ये साइकिल क्या हुआ? और एक ये बाथरूम है, बाथरूम के बगल एक चेयर पे गंदे गंदे कपड़े हैं जो भी खोला हुआ। बाबू नो नो नो, कृष्णा नो, कृष्णा बाबू मम्मी सब बदल जाएगा, इसका बदमाश ही नहीं बदलेगा। ये मीठी है, मैं भी स्कूल से आई हूँ, ये भी स्कूल से आई हूँ। हाँ। अभी मैं ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी ना, इसलिए दिखाई नहीं इसका स्कूल जाते आते का, पर शेयर करूंगी सब कुछ। अभी तो आज फर्स्ट दिन स्टार्ट ही की हूँ, और हाँ
आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, मतलब चैत्र नवरात्रि जो होता है। कल भी आप लोग मनाते हो कि नहीं? मनाना क्या है, मतलब पूजा पाठ करना चाहिए। जैसे उस नवरात्रि में पूजा करते हैं आसिन वाला में, वैसे ही चैत्र वाला में भी होता है, बट उसमें कुछ ज्यादा लोग करते हैं, जैसे कि जो नवरात्रि का फास्ट करते हैं वो, और जो नहीं भी करते हैं जैसे हम लोग, तो लहसुन प्याज नहीं खाते हम लोग उतना दिन, 9 दिन तक। बेटी ऐसे नहीं करते बेटा। और फिर क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग सेंधा नमक खाते हैं, जैसे मेरे घर पे, मेरे मायके में तो सदियों से चलता आ रहा है ये चीज़ सेंधा नमक वाला। आसिन में अभी इतना ध्यान नहीं है, मम्मी लोग शायद खा रही होगी। और यहाँ मेरे ससुराल में भी आसिन वाला में सेंधा नमक खाती है बिना लहसुन प्याज का, और सेंधा नमक समझो कि वो एक तरह से फास्ट जैसे ही हो गया। अभी सब कुछ हो गया है, आज भी पता नहीं। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आओ, आओ चढ़ना, ऊपर चढ़ना। आज भी पता नहीं ये स्टार्ट कर पाती या नहीं, मतलब 2-3 दिन से मैं सोच रही थी ब्लॉग स्टार्ट करने का, पर शुरू कर नहीं पा रही थी। बस ये देखिए इसका शैतानी, कृष्णा भी नहाया है। ये मेरा पूजा का नया जगह, मीठी कृष्णा प्लीज बदमाशी मत करो बेटा। तो यहाँ पूजा का नया जगह बनाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिस रूम में अभी आई हूँ वहाँ पे पूजा होना है, सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा। तो अभी वो भी नहीं हुआ है क्योंकि अभी जस्ट आए ही हम लोग, और उसके बाद पूजा का कोई जगह भी नहीं था। तो फिलहाल के लिए देखिए ये वाला रैक किस मकसद से मैं ली थी और किस मकसद में काम आ रहा है, क्योंकि अभी कोई रैक वैक है ही नहीं, तो भगवान को रखूँ कहाँ। तो भगवान भी ज़्यादा नहीं है, देवों का देव महादेव है, महादेव हो ही गए, और फिर जो मैं गॉड पूछती हूँ तो वो भी हो गया, तो वो दोनों है। धीरे धीरे सब कुछ होगा मीठी, ये दोनों में पूरा दिन रह जाती हूँ। और ये है यहाँ का किचन, उससे थोड़ा सा लंबाई में कम है, थोड़ा सा हो सकता है कम होगा, या फिर पता नहीं सर ये लगा होगा इस वजह से कम लग रहा होगा, और चौड़ाई में थोड़ा ज्यादा है क्योंकि नीचे इतना ज्यादा स्पेस नहीं था, बस थोड़ा सा स्पेस था, तो चौड़ाई में थोड़ा सा ज्यादा है। अभी मैं किचन में आई हूँ, और सुनना मत कर बेटा, अभी करना है मुझे। आज बहुत सिंपल सा खाना बनाई थी, चावल शुरू में, मतलब सुबह में मीठी को भुजिया और पूरी बना कर दी थी, तो भुजिया ज़्यादा ही बना ली थी कि हम लोग भी ऐसे नाश्ता कर लेंगे, लेकिन फिर जो मेड है वो थोड़ा लेट कर दी काम करने में, तो फिर वो टाइम, मतलब इतना टाइम नहीं बचा कि नाश्ता भी करे और खाना भी खाए फिर ऑफिस जाए हस्बैंड का, तो इस वजह से वो नाश्ता नहीं किया। तो फिर चावल दाल बनाई, और बहुत जल्दी जल्दी बनाना था क्योंकि काम लेट से की, बर्तन वगैरह जो भी था वो लेट से धुला, तो इस वजह से क्या हुआ ना कि खाना में लेट हो गया, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में भुजिया सॉरी चावल और दाल बनाई, भुजिया तो बनाया था। और अभी जान मीठी के सॉरी बाबू के लिए बनाना है दलिया, इसके लिए दलिया बनाऊंगी, इसको दलिया खिलाऊंगी। बाबू हे मत मारना, गंदी बात मारना गंदी बात होती है ना बेटा।
तो छोटे छोटे बच्चों की जो माँ होती है ना, उसके लिए काम कभी ख़त्म नहीं होता है और ना ही कभी किचन का काम ख़त्म होता है। कभी अपना खाना नाश्ता बनाना है तो कभी बच्चों का खाना नाश्ता बनाना है, और अगर दो बच्चा है तो दोनों का अलग अलग बनाना है। जैसे कि मेरा तो ऐसा ही है, मीठी दलिया वगैरह नहीं खाती है, तो ऐसा नहीं है कि चावल दाल ही, अगर तीन बार वो खाना खा रही तो तीनों बार चावल दाल ही खा रही है, तो अलग कुछ ना कुछ मांगती ही है, उसके लिए अलग सोचना पड़ता है। बाबू के लिए दलिया ओट्स ये सब, तो अभी बहुत दिनों से जब से मैं शादी में गई थी तब से बाबू का जो खाना है वो बहुत बिगड़ चुका है, क्योंकि अब आप कहीं भी, हाँ बेटा आप चलाओ आप चलाओ, मुझे गाड़ी चलाने के लिए बोल रहा है। तो आप कहीं भी अगर जाते हो ना दूसरे जगह पे, तो उतना अपने बच्चे पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो जैसे अपने घर पे, जैसे जहाँ रह रहे हो। क्या हुआ मम्मा? मम्मा नहीं बैठ सकती इस पे, देखो कितना छोटा है ना। आप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कृष्णा गुड बॉय है। तो बस यहाँ पे मीठी को मैं खाना खिला रही हूँ। वैसे स्कूल में तो खुद से ही खा लेती है, जैसे कि फोल्ड करके दे देती हूँ पूरी में ये भुजिया वगैरह डाल करके, और वैसे भी अब देना स्टार्ट कर रही हूँ। खा तो वैसे घर पे भी लेगी, जब मैं दे देती हूँ तो खा लेती है, लेकिन वो खाना मतलब अच्छे से नहीं खा पाती। अब सब लोग बोलते हैं कि हाँ चलो उसी तरह से खाएगी, धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन खुद ही संतुष्टि नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से मैं खुद खिला देती हूँ भरपेट अच्छे से। नहीं तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा खाएगी, थोड़ा सा उसके चम्मच पर आएगा, थोड़ा सा नहीं आएगा, फिर लास्ट में उसका इतना टाइम लगा देती है कि पूरा खाना ठंडा भी हो जाता है और फिर उसका मन नहीं करता है खाने का, ऐसा हो जाता है। और उसको गर्म खाने का आदत है, तो वो भी मैं बोलती हूँ थोड़ा बेटा ठंडा खाना खाने का आदत लगाओ, क्योंकि टिफ़िन में उसका ठंडा हो गया रहता है, तो फिर इसीलिए। और ये सब हो गया, दोनों को मतलब इसको खाना खिलाई, उसको दूध पिलाई, देखे वो आप दूध बनाई थी पेडियाश्योर डाल करके, और उसके बाद हम लोग सो गए थे थोड़ा देर के लिए। सो करके जब हम लोग उठे, मतलब मैं सोने गई तो फिर बोली मीठी को भी सोने के लिए, फिर वो सो नहीं रही थी, फिर खेलते खेलते सो गई। और उसके बाद जब फिर से उठी है तो भूख लग गया था, भूख लगा तो फिर बोल रही थी पूरी खाना है, तो बस फटाफट से पूरी तल लूँगी, और आटा जो अब छोड़ दूँगी तो वो ख़राब हो जाएगा, तो अच्छा है कि सारे का बना ही लो। और वैसे भी मुझे भी खाना था थोड़ा सा, तो मैं अपने लिए भी बना ले रही हूँ। बाबू को मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत देने का, मेरे हाथ से तो वो नहीं खाता है। जब मैं कहीं चली जाती थी मुजफ्फरपुर में, मतलब बाहर चली जाती थी शॉपिंग पे, तो पीछे से सुनने को मिलता था कि ये रोटी सब्जी खा लिया है, तो पूरी खा लिया, तो आश्चर्य लगता था, बट मेरे सामने कभी खाया नहीं, मैं खाते कभी देख ही नहीं हूँ, मतलब मेरे से खाता नहीं और किसी और के हाथ से मेरे सामने नहीं खाया है। तो बाबू ना के बराबर ही खाता है, वो बस अभी इसी टाइप का चीज़ खाता है। हाँ दाल चावल कभी कभी खा लेता है, पर वो उसके मूड के ऊपर है कि हाँ भूख भी लगा हुआ है, कभी फ़ोन उनमें बिजी है तो खा लिया, ऐसे बहुत कम खाता है, मतलब पेट उसका ना भरे इतना खाता है, तो खुद संतुष्ट नहीं मैं हो पाती हूँ। फिर उसके बाद बाबू भी उठ गया था, तो यहाँ पे बाबू को मैं मतलब थोड़ा ये दलिया खिलाई हूँ जो कि मुँह में अभी लगाई हुआ है, और रो रहा है क्योंकि इसको फीवर मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, फीवर कृष्णा है कल से लग रहा है फीवर, तो फिर से अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे रोता है उसके बाद से ऐसा लगता है कि फीवर लग गया। शाम का टाइम हो रहा है, लगभग शाम का टाइम हो रहा है, मतलब 3-4 ऐसे बज रहा है। और उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, उनके लिए चाय बनाई, चाय पी, उसके बाद फिर हस्बैंड मोमोज लेकर के आए, जो कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जब मैं गुजरात सॉरी हरियाणा से आई थी तो वहाँ का मोमोज तो मेरा फेवरेट था, बहुत ज़्यादा मिस करती थी मैं वहाँ का मोमोज। फिर यहाँ का खाई तो यहाँ भी पसंद आने लगा, हर जगह का लेकिन थोड़ा अलग होता। हे गाइस, तो अभी शाम का 6 बज रहा है और अभी जस्ट मैं साथ दिखा करके आई हूँ, और हम तीनों लोग सो गए थे, माँ बेटा बेटी, मिठी भी लास्ट में सो गई थी। मैं पहले मैं बोलती रहती हूँ थोड़ा देर सो जा, तो वो नहीं सोती है, नहीं खेलना है। जब हम दोनों सो गए तो वो ऐसे ही सो गई थी दूसरे वाले रूम में, और अभी यहाँ पे देख सकते हैं वो टीवी देख रही है, पानी पी रही है, पानी पीने का स्टाइल है, मत पियो गीला हो जाएगा कपड़ा, इसी तरह से पूरे दिन में कितना बार कपड़ा गीला होता है। नो बाबू नो, पानी नाक में घुस गया, देखो मत करो मत करो मत करो। अभी यही सब चल रहा है, हस्बैंड एक बार आए थे चाय पिए, अभी फिर किसी काम से बाहर गए हैं, फिर वो आएंगे तो फिर से एक बार चाय पीऊंगी, उसके बाद रात का खाना बनेगा, खाएंगे पिएंगे और जल्दी सोने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मिट्टी का स्कूल हो गया है तो बड़ी हेडक वाला बात हो गया है। हेडक इसलिए क्योंकि वैसे उठना अलग बात है, अभी है ना कि मतलब इसका 7:30 से स्कूल है, 7:30 टाइमिंग है, तो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी हो जाता है और मेरा आदत छूट चुका है इसलिए।
तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। पता नहीं कैसा लगा, कैसा बना ब्लॉग, लेकिन जैसा भी हो, अगर थोड़ा भी अच्छा लगे, किसी भी रीजन पे अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब, ये सब तो मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि ऐसा तो कुछ होता नहीं है बोलने से। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।